उत्तर कनाडा में आज कुल कोरोना के 80 नए मामला, भटकल के 5 लोग हुए मुतासिर, 113 लोग हुए हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। भटकल तंजीम की डॉक्टरों के साथ खुसूसी मुलाकात, भटकल से कोरोना के खात्मे के लिए हुई चर्चा। मरहूम काजी इकबाल मुल्ला साहब की वफात के बाद खाली होने वाले जामिया इस्लामिया भटकल के सदर के ओहदे पर मौलाना अब्दुल अलीम कासमी हुए फाइज, अतिकुर रहमान मुनरी साहब को मुंतखब किया शूरा का रुकन। वजीर दाखिला अमित शाह की फिर बिगड़ी तबीयत, सांस लेने में तकलीफ होने पर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में किया गया भर्ती। भटकल में कोरोना के ताल्लुक से राहत की खबर, 15 लोगों को मिली हॉस्पिटल से छुट्टी। कुन्नावर की करकी कौमी शाहरा पर खतरनाक टक्कर के बाद एक शख्स की मौके पर हुई मौत, बेकाबू कार ने साइकिल से टक्कर के बाद रिक्शा को मारी टक्कर। श्रीराम सेना की तरफ से भटकल में साबिका सालम की तरह इस साल भी आवामी मकाम पर गणेश हब्बा मनाने की मांगी गई इजाजत, इसी को दिया मेमोरेंडम। रियासत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7,665 नए मामले, आज 8,387 लोग मुख्तलिफ हॉस्पिटल से हुए डिस्चार्ज। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह यूसी कोहान ने सिक्योरिटी बातचीत के लिए किया मुत्तहिदा अरब अमीरात का दौरा, सरकारी जराए ने की दौरे की तस्दीक। आईपीएल में ड्रीम इलेवन ने मारी बाजी, कई बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़कर बना आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी 10 खबरों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।